इस बुद्ध विहार में इस संगोष्ठी का जो आयोजन किया है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पर आयोजन किया गया है। मैं अर्चना जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत और मशक्कत से ये संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसका निश्चित ही हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय दत्तू प्रसाद जी जो बुंदेलखंड से चलकर के इधर आए हैं, उनके हम विशेष आभारी हैं कि उन्होंने बहुजन समाज को मजबूत बनाने के लिए अपने विचार रखे। हमारे अन्य साथियों ने भी बड़े महत्वपूर्ण विचार रखे, लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि दो बार इस मीटिंग में गर्मा गर्मी भी हुई। जो गर्मा गर्मी करने वाले लोग हैं वो काशीराम जी के अनुयायी हो ही नहीं सकते, भगवान बुद्ध के भी अनुयायी नहीं हो सकते। मैं समझता हूं जिन्होंने भी जो बात कही है इधर भगवान बुद्ध को साक्षी मान करके उनके मूर्ति के सामने ये बातें कही गई हैं, मैं समझता हूं सभी ने अगर वो बुद्ध के अनुयायी हैं तो अपने मन से सही बात कही हूं। इसलिए जो सच्ची बात होती है वो बुरी भी लगती है, सच्ची बात थोड़ी कड़वी होती है और जो मीठी बात होती है वो झूठी बात होती है, इसलिए वो कड़वी नहीं होती। तो इसलिए किसी ने भी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ यहां पर बात नहीं कही। मैं सुन रहा था कि सभी वक्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज को मजबूत बनाने के लिए बात कही और सभी वक्ताओं ने यह कहा कि जो बहुजन समाज पार्टी जो काशीराम फार्म ने बनाई, उन्होंने ये कहा था कि बहुजन समाज का हित बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित है, लेकिन आज ये विषय रखा गया, संगोष्ठी रखी गई, इसमें लिखा गया है कि हमारा संविधान खतरे में है। हमारा संविधान उस समय भी खतरे में था जब अटल बिहारी वाजपेयी को माननीय काशीराम साहब ने चढ़कर के विज्ञान भवन में उन्होंने कहा था कि ये इसी में बंद रह जाएगा, इसका रिव्यू संविधान का नहीं हो सकता है। आज वो बात नहीं है क्योंकि आज हमारा आंदोलन जो है शिथिल पड़ गया है। आज आंदोलन शिथिल क्यों पड़ गया है? क्योंकि हमारा जो पूरा लक्ष्य जो है बहुजन समाज को बनाने से भटक गया है। या तो बहुत सारे संगठन बन गए हैं या बहुत सारी पार्टियां बन गई हैं, लेकिन जो भी सुधार की बात करता है उसके लिए कान पकड़ करके अलग रख दिया जाता है। तो इसी तरह से अगर चलता रहा तो मैं तो समझता हूँ एक भी आदमी नहीं बचेगा। जो हाल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का हुआ था वो हाल देखते देखते मुझे याद है, जब ये पार्टी बढ़ रही थी उस समय हमारे एक साथी थे जो यहाँ के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं गाजियाबाद और नोएडा के, मुशाहिद अली, उन्होंने कहा था पिपल साहब इसका वही हाल होगा जो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का हुआ। हमने कहा आपका आकलन गलत है, जब तक काशीराम साहब रहेंगे तब तक उन्होंने आरपीआई के पतन के ऊपर ज्यादा अध्ययन करके इस पार्टी को बनाया है, इसका हाल आरपीआई जैसा नहीं होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो काशीराम साहब के सामने चिंता थी कि जिस ब्राह्मणवाद के कारण आरपीआई गर्भ में चली गई थी उसी के कारण आज ये काशीराम साहब की पार्टी भी पतन की ओर जा रही है। मैं इलाहाबाद से 1988 से काम शुरू करके 1980 से 88 तक इलाहाबाद में किया, उसके बाद में आपके सामने ये लोग मौजूद हैं। नोएडा में घर घर जाकर के जब झंडा लगाने वाला नहीं था तो हमने घर घर में जाकर के स्टडी सर्कल चला।
चला करके लोगों को तैयार किया, गुजरों को तैयार किया, और हमने जो है यहाँ पे जीतने लायक बनाया। और एक समय आया कि यहाँ पे मतलब सारे MLA भी जीते, यहाँ का जो है MP भी जीता। आज वो कहाँ चलेगी बहुजन समाज? तो ये जो कड़वी बात है, इसको अगर कोई कहेगा तो उसका गला दबा दिया जाएगा। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि पत्थर रख लो छाती पर और मोहर लगा दो हाथी पर, और हाथी बच नहीं पा रहा है। जो बोलने वाले लोग हैं वो अपने सीने पर पत्थर रखे भी नहीं बोल पा रहे हैं। अगर उनकी बोलती बंद करने के लिए गुंडे भेजे जाते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं। उन गुंडों का भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये समझ रहे हैं कि ये आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा? ये आंदोलन खत्म नहीं होगा और ना बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं होगी। बहुजन समाज पार्टी किसी के पास की पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी है। और उसके ऊपर जो भी उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। और हम आज से ये ऐलान करते हैं इस बुद्ध के हाथ को साक्षी मान करके कि ये हम आंदोलन चलाते रहेंगे। हमारी जितनी उम्र है, हमने अब तक काशीराम साहब के साथ दे करके इस पार्टी को सत्ताधारी पार्टी बनाया था, और आज हम जो आगे इस काशीराम के आंदोलन को लेकर के चलेंगे, उनका भी हम उसी तरह से साथ देंगे जैसे माननीय काशीराम साहब का साथ दिया था, और इस बहुजन समाज पार्टी को फिर से सत्ता में पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है आज के दिन। साथियों, ना ये गुंडागर्दी से सही हो सकता है माहौल, ना ये नोटों से सही हो सकता है। ये माहौल तो भाईचारे से ही सही हो सकता है। भाईचारा बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई आज कि हमारा बहुजन समाज टूट गया। जो बहुजन समाज में बैकवर्ड चला गया, उसके बाद ही पता लग गया था कि इसका पतन होना शुरू हो गया। एक समय था कि हम तो इलाहाबाद में थे उस समय, कि साइकिल पे पंचर लगाने वाले आदमी को टिकट दे दिया था, वो भी जीत गया, वो मंत्री बन गया। उसमें ठीक है साजिश रही हो, ब्राह्मणवादी दलों की साजिश रही है, BJP की साजिश रही है, जो सपा बसपा का गठबंधन टूटा था पहले, जो भी साजिश रही है, लेकिन हमने उसको अपना ये मान लिया कि एक बिरादरी की दूसरी बिरादरी से लड़ाई हो गई, भाईचारा बनना टूट गया हमसे। लेकिन एक बिरादरी की दूसरी बिरादरी से लड़ाई नहीं हुई थी। नेता की नेता से लड़ाई हो सकती है, दो नेताओं की लड़ाई हो सकती है, लेकिन समाज भाई इसका क्यों खामियाजा भुगतता है? समाज को सबका चाहता है। समाज के लिए जब राजनीतिक पार्टी बनाई है समाज ने, तो कोई घंटा बजाने के लिए तो बनाई नहीं। राजनीतिक पार्टी राज सत्ता प्राप्त करने के लिए बनाई। हम लोगों ने यह विश्लेषण करने के बाद में ये लगाया अंदाज कि 2017 के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसमें बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का दोनों का वोट मिला दिया था 44% वोट बनता है, लेकिन 37% वालों ने सरकार बना ली और 44% वाले जो है मुंह ताकते रह गए। अगर यही हाल मतलब 2019 में रहा तो आप संविधान की रक्षा की बात करते हैं? जब ये सरकार दोबारा से अगर मोदी की बनेगी तो ये संविधान तो अपने आप ही चला जाएगा। ना मुसलमान की रक्षा हो पाएगी, ना दलित की रक्षा हो पाएगी। इसलिए अभी हमें आपसी लड़ाई छोड़ करके हमें जो बड़ा दुश्मन है हमारा, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, और 2019 में भाजपा को किसी तरह से सत्ता में आने से रोकना चाहिए। और हमारी मीटिंगों में जो उपद्रव करने के लिए आएंगे उसमें हम प्रस्ताव ये पास करेंगे कि ये बहुजन समाज पार्टी के आदमी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए आदमी हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारी सरकार जो है 2019 में गैर भाजपा की सरकार बने। इसलिए जो भी पार्टी, चाहे हमारी बहुजन समाज पार्टी ही क्यों ना हो, अगर इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाती है जिससे भाजपा को फायदा होता है, तो आप बताइए कि वो भाजपा के लिए काम कर रही है कि बहुजन समाज के लिए काम कर रही है? तो इस तरह से अभी दद्दू प्रसाद जी ने बताया कि जो पार्टी के अंदर के लोग हैं वो गूंगे और बहरे लोग हैं, मोहताज लोग हैं, बेचारे बोल नहीं सकते हैं। हमारे घर पे आकर के तो बोलते हैं कि आप सही कर रहे हो, घर पे आकर तो बोलते हैं। हम कहते हैं हमारे मंच पे आ जाओ, तो मंच पे नहीं आएंगे, जो कि निकाल दिए जाएंगे पार्टी से। इतना बेचारे भयभीत हो चुके हैं। हमने कहा आर्यन आर्या जो एक सांसद थे,
विलिंगडन हॉस्पिटल में मर रहे थे, उनके किडनी की जरूरत थी, दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि बहन जी एक बार आ जाए तो मैं उनका दर्शन कर दूंगा, अंतिम मेरी इच्छा ये। लेकिन किसी ने फोन भी नहीं किया। परेशान होकर के उन्होंने कहा, मैं जब उनके पास गया देखने के लिए तो कहने लगे, पिप्पल साहब हाथ जोड़ के कह रहे थे, बहुत वरिष्ठ थे, कि किसी तरह से मिशन को बचा लो। जो मरते समय आदमी बोलता है वो बिल्कुल सही बोलता है, जो बुद्ध के समय आदमी सामने बोलता है वो बिल्कुल सही बोलता है। तो इस तरह के माहौल में उन्होंने ये बात कही तो ये मेरे को पिंच हुआ। मैं तो हमेशा से काशीराम साहब का, बहन मायावती जी का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं। मैंने अपनी वरिष्ठ पद को ध्यान में न रखते हुए भी मैंने मंचों पर काम किया, पूरे दिल्ली का संगठन खड़ा किया, पूरे नोएडा में गांव गांव में जाकर गुजरों में मीटिंग करी रात रात में 12-12 बजे तक। ये भी सुभाष ने बोला, हमने गाजियाबाद में काम किया, इलाहाबाद में गांव गांव में काम किया, लेकिन हर जगह रिजल्ट आया। लेकिन आज रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? आज भी काम करने वाले तो लोग हैं, मैं समझता हूं वो काम करने वाले लोग नहीं है, वो लोग चापलूस लोग हैं, व्यक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं, व्यक्ति की पूजा करने वाला समाज का दुश्मन है। व्यक्ति की व्यक्ति तो मर जाता है, व्यक्ति कोई अमर थोड़ी है। आज एक नेता है, कल के लिए वो नेता नहीं रहेगा, लेकिन विचार अमर है, संगठन अमर है। आज बुद्ध हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बुद्ध का धर्म हमारे बीच में है। आज काशीराम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन काशीराम का मिशन हमारे बीच में है। हमें उस मिशन को जिंदा करने की जरूरत है। जब ये जिंदा करने की बात आती है तो गांधी जी की बात मुझे याद आ जाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब मीटिंग करते थे तो वो अपने लोगों को कहते थे, तीन बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, इनकी मीटिंग में मत जाना। ये मतलब ये था बंदर का, तीन बंदर जो बंद किए थे, कि डॉक्टर अम्बेडकर की मीटिंग कोई मत सुनना, नहीं तो कहीं धोखे से बुद्ध बन गया कोई, किसी ने उसकी बात मान ली तो बड़ा गजब हो जाएगा, इसलिए कोई उनकी बात सुनो मत। उसके बाद में जब काशीराम साहब आए तो कांग्रेस के लोग बोलते थे कि, काशीराम साहब बोलते थे कि बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस के ब्राह्मण लोग बोलते थे कि चमार समाज पार्टी है, चमारों की पार्टी है, इसमें मत जाना। उनको रोका जाता था, वो गांधी का जो फॉर्मूला था उनको रोका जाता था। आज बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है बहुजन समाज की बात करने से रोकते हैं, तो क्या काशीराम या डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर हो सकते हैं? वो गांधी के फॉलोवर हैं, जो देखते हैं कि इनकी बात सुनो मत, अगर तुमने सुन लिया तो कहीं सही रास्ते पर ना आ जाए, इसलिए वो हमारी बात सुनने के लिए उनको मना करते हैं। काशीराम साहब जब बात करते थे तो उनके साथ में 10 आदमी होते थे, और 10 आदमी जब सही हो जाते थे, बीज कितने होते हैं? बीज तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, एक बीज से मतलब 50 बनते हैं, 50 को दोबारा से बो दो तो 5000 बन जाते हैं, और धीरे धीरे बोरे भर जाते हैं। इस तरह से काशीराम साहब ने एक एक बीज इकट्ठा करके इस देश के अंदर बहुजन समाज को जोड़ा, और उन्होंने कहा कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। एक दिन वो आ गया, उनके जीते जी ने दिन आया कि नहीं आया। आज जो बहुजन समाज की बात न करके आज सर्वजन समाज की बात करी जाती है तो सत्ता चलेगी हाथ से, क्योंकि वो बहुजन की बात नहीं करेगा, वो सत्ता नहीं कर सकता दिल्ली की। ये बात बीजेपी के समझ में आ गई कि काशीराम ने बोला है, जो तो आज के समाज का चाणक्य तो काशीराम है, राजनीति का जो चाणक्य आज माना जाता है विश्व में, तो काशीराम को माना जाता है। चाणक्य तो फेल हो गया, पुराना हो गया। उन्होंने कहा कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, तो ये मोदी को तैयार किया और नकली बहुजन बनाया, उसको ओबीसी का बना करके उसको अपना लीडर बनाया, और कहीं दलित, कहीं तेली, कहीं नीच, ये सब बातें कही जाती कि नहीं कही गई, और हमारा समाज पूरा पागल हो गया, और उसको बहुजन समाज के नाम पे उसको वोट दे दिया, और बहुजन समाज का आदमी सत्ता में आया, लेकिन हाथी से नहीं आया, कमल के फूल से आ गया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं कि मोदी जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं, हमने भाजपा के लिए लाया है,
और इसको रोकने के लिए अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अगर हम कहेंगे या तो हम बहन जी को सही कर देंगे, 2019 में उनको समझौता करना पड़ेगा और हम उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इस देश की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते, ये जवाब दे बहुजन समाज पार्टी के लोग कि वो इस देश की प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहती। हम समझौता करके देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। 1999 में कांशीराम चाहते थे कि इस देश का प्रधानमंत्री मैं बनूं, आज उनकी जो अनुयायी है वो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती। अरे घर में घुसने से तो ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये आज चंद्रशेखर भाई के अपने काम के वजह से अरेस्ट हुआ, उसके ऊपर रास्ता लगा दिया गया है, उसके ऊपर यातना दी गई। जब जो बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज का है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित है, तो उसको निकालने के लिए क्या आंदोलन नहीं करना चाहिए? अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो हमें नहीं करेंगे आंदोलन, हम करेंगे, और हम करने की तैयारी कर रहे हैं तो हमें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, गाली दी जाएगी यहां करके। ये बात जो है जन जन में बतानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी जिंदा नहीं रहती है तो हमारा धर्म भी खतरे में है, हमारा संविधान भी खतरे में है, और हमारा रोजगार खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, सारी चीज खतरे में, और हम भी खतरे में हैं। तो इसलिए हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा इनको सबक सिखाने के लिए। जगह जगह हमें मीटिंग करनी पड़ेगी, हम कोई राजनीतिक पार्टी तो बना नहीं रहे, लेकिन जनता को नहीं जगाएंगे। ये हमारे स्वतंत्र मंच के नाम से चलेगा, तुम अपने मंच पे जाने नहीं दोगे और हमें अपनी मीटिंग करने नहीं दोगे, इसका मतलब गांधी के बंदरों की तरह से बैठ जाए कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हम कहेंगे भी, सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी। और 2019 में बहुजन समाज पार्टी का जो समझौता है वो समाजवादी के पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में करवाएंगे भी, होना भी चाहिए और होना भी चाहिए। बताइए आप लोग सहमत है क्या? तो ये प्रस्ताव पास होता है कि बहुजन समाज पार्टी का समझौता उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ हो, तभी बहुजन समाज बन सकता है। और ये बात हम बहन जी के पास लिख करके भेजेंगे, ये जो प्रस्ताव पास हुआ है बहन जी के पास लिख करके भेजेंगे, अखिलेश के पास भी लिख करके भेजेंगे। ये दद्दू प्रसाद जी के नेतृत्व में ये अर्चना जी ने जो मीटिंग बुलाई उसमें ये प्रस्ताव पास किया, और बुद्ध को साक्षी मान करके ये बात कही गई कि 2019 में समझौता होना चाहिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, तभी भाजपा को रोका जाता है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, अगर हमने उत्तर प्रदेश को नहीं रोक पाए तो चाहे आप गुजरात में बात करो, चाहे हरियाणा में बात करो, चाहे राजस्थान में बात करो, ये भाजपा नहीं रोक सकती है। अब इसके लिए चोरी छिपे हमें बात करने की जरूरत नहीं है, अब हमें ये बात जो है दंगे की चोट करनी पड़ेगी और किसी से डरना नहीं है, और हमें जो है निर्भीक होकर के काम करना है, और जनता आपके साथ है। ये हमने पूरे देश के अंदर सर्वे कर लिया है, हम जिधर भी जा रहे हैं, आगरा में गए बड़ा समर्थन मिला, हम लोग झांसी में गए बड़ा समर्थन मिला, अभी हम छोटी छोटी मीटिंगें जो है बंद कमरे में कर रहे हैं, इसके बाद हम बड़ी बड़ी रैलियां शुरू कर देंगे, और मतलब जो है आपका 14 अप्रैल के बाद में दलित मुस्लिम और ओबीसी के सम्मेलन शुरू कर देंगे। दद्दू प्रसाद जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि ओबीसी को जोड़ने की जरूरत है, और ओबीसी के लिए जोड़ने के लिए हमें 52% को 52% आरक्षण की जरूरत है, हमें दलित के आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब ने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी थी, तो जब हमें 25% हम लोग 15% और 7.5% मिल रहा है, तो ओबीसी के लिए 52% के लिए 27% क्यों मिल रहा है? हम उनको बताएंगे अपने ओबीसी भाइयों को, भाई तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और तुम राम के लिए संघर्ष कर रहे हो, राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे हो, तुम्हें तो 27% आरक्षण की जगह 52% आरक्षण की जगह संघर्ष करना चाहिए, तभी तो बहुजन समाज बन पाएगा। यह हमें अब नया कैडर तैयार करके हम अपने ओबीसी भाइयों को बताना पड़ेगा, कुर्मी में कुर्मी बन के जाना पड़ेगा, काशी में काशी बन के जाना पड़ेगा, कुमार में कुमार बन के जाना पड़ेगा, इन सबको समझाना पड़ेगा। तो ये काम तो जो है हमारा जब ही हो पाएगा जब हम 2019 में भाजपा की सरकार बनने से रोक पाएंगे, नहीं तो हमारी भाईचारा की मीटिंग भी रोक दी जाएगी 2019 में अगर भाजपा की सरकार आ जाएगी। तो इसलिए साथियों ये प्रस्ताव हमारा पास होता है कि 52% के लिए 52% आरक्षण की लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए, सभी को प्रस्ताव पास है ना। तो एक ये वाली बात हो गई, और दूसरी बात शिक्षा की समानता का जो आंदोलन है, हम जो अपने मुद्दे बनाएंगे, एक तो ये बनाएंगे कि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन होना जरूरी है, दूसरा हमारा मुद्दा ये बनेगा
कि शिक्षा की समानता के लिए हमें सरकार के ऊपर दबाव बनाना जरूरी है, चाहे बसपा की सरकार क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारा आंदोलन जब तक मतलब जारी रहेगा, जब तक की शिक्षा में समानता नहीं आएगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारा लॉन्ग टर्म मतलब प्रोग्राम है। इसी तरह से हर घर में एक आदमी के लिए एक रोजगार मिलना चाहिए, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, ठेके पर नौकरी हम नहीं करेंगे, ये आंदोलन भी हमारा जो है लॉन्ग टर्म के लिए जारी रहेगा। ये मंच जो है स्वतंत्र मंच है, ये कोई पार्टी नहीं है, ना कोई संगठन है, लेकिन जनता की आवाज है और जनता के लोग जनता की आवाज को जनता तक पहुंचाएंगे और बहुजन समाज फिर से बनाएंगे और काशीराम के सपने को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए अर्चना जी को और सभी अपने अतिथियों के लिए कि आपने ये यहाँ पे बात ध्यान से सुनी, पूरे दिन कार्यक्रम चलाया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। खासतौर से इसके वालों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने इतना बढ़िया जो बुद्ध विहार बनाया है। मैं तो चौके नोएडा में रहता था लेकिन पहली बार मैं इस बुद्ध विहार में आया हूँ, तो इसलिए मैं सबके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रूप से रामदार आनंद जी जो हमेशा बहुत मेहनत के साथ काम करते रहते हैं और स्किन के लिए जुड़े रहते हैं उसमें काम करने के लिए, उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हमें अपनी बात को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जय भीम, जय भारत।